नमस्कार दर्शकों, तो हम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेके राशिफल। कैसा कटेगा आपका मंगलवार का दिन, आइए जानते हैं आपके दिन भर के हाल। ज्योतिष के नजरिए से बताएंगे आपका राशिफल, क्या कुछ घट रहा है जिंदगी में, क्या कुछ बढ़ रहा है जिंदगी में, यही सब बताने की कोशिश होगी आज के इस खास राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में थोड़ी समस्या आ सकती है पर शीघ्र ही निदान हो जाएगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा, खान पान की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जोखिम भरे फैसले बिल्कुल न लें। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, आज नए काम शुरू ना करें। लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज कुछ दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है, इस मामले में आप सावधान रहें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें तो ही अच्छा होगा। पार्टनर से सलाह किए बिना कोई फैसला ना लें। आपके कुछ काम अटक सकते हैं, नए काम हाथ में ना लें, सेहत नरम हो सकती है। आज बेकार की बातें करके समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और बेहतर है कि आप आज शांत रहें। आज आपको अपने कुछ कामों में निराशा हाथ लग सकती है। आज अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। काम में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी जिसकी वजह आपको प्रसन्नता होगी। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने रिश्तों को कायम रखने का दिन है। आप पाएंगे कि आज हालात समाप्ति की ओर पर हैं। यह परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदली हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लें। घर से अलग रहने को मजबूर लोग शुरुआती परेशानी का सामना कर सकते हैं। मित्रों एवं परिजनों के साथ मनमुटाव होने की और आरोग्य बिगड़ने की संभावना है। आज का दिन मध्यम फलदायी है। प्रेम के मामले में अस्वीकृति झेले जाने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज आपके व्यापार धंधे में खूब सफलता मिलेगी। कानूनन कतई ना फंसें, इसका ध्यान जरूर रखें। व्यापार धंधे के लिए भावी योजना सफलतापूर्वक संपन्न होगी। किसी के साथ पैसों की लेन देन को लेकर सफल रहेंगे। देश विदेश में व्यवसाय करने वालों को फायदा होगा। घर में परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बिता लेंगे। धन लाभ का योग है। कार्य में यश मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर सकेंगे। प्रगतिवर्तक समाचार मिलेंगे। पिता से व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल पाएगा। अपने काम में पूरी सजगता रखें। पूंजी निवेश करना लाभदायी रहेगा। आज के दिन किसी के साथ छेड़खानी करने से बिल्कुल बचें। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज के दिन आपको संभल कर चलना होगा वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज नौकरी की जगह आपको उच्च वर्ग के अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता अनुभव करेंगे। व्यवसाय में परेशानी खड़ी होगी। दूर के प्रवास का आयोजन होगा। धार्मिक यात्रा का योग है। लेखन और साहित्य सर्जन जैसे कार्यों में आप मन लगेगा। धन लाभ भी होगा। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज ज्यादा खर्च का दिन है। परिवार का वातावरण भी अच्छा नहीं है। कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद के प्रसंग खड़े होंगे। मन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रहेगी। आर्थिक प्रयासों में परिश्रम अधिक करना होगा, तभी जाकर आय के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। आय जितनी होगी खर्च भी उतना ही होगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। मन दुविधा युक्त रहेगा। बोलने पर संयम रखें। किसी के साथ वाद विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है। गलत फहमी हो तो फौरन खुलकर बात करें, इससे बात जल्दी खत्म हो जाएगी। आरोग्य के प्रति लापरवाह न रहें, मान प्रतिष्ठा का भंग होगा। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके संबंधों के प्रति त्याग से मधुरता आएगी। आज पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। महिलाएं संतान के प्रति अति संवेदनशीलता न रखें। साहस व पराक्रम के साथ किए गए प्रत्येक कार्य में आपको आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। दिन कुछ भ्रम से शुरू हो सकता है। आध्यात्मिक झुकाव वाला व्यक्ति आपकी बचाव में आ सकता है। व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करेगा। आप उनकी सलाहों का पालन कर सकते हैं क्योंकि आज उन्हें शुद्ध इरादों के साथ दिया जाता है। आप आज भी एक पवित्र स्थान पर जा सकते हैं। दिन का दूसरा भाग आसानी से पारित होगा।
आज आप दोस्तों के साथ आनंद पूर्वक समय बिता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। आपकी कामयाबी में आपके करीबी लोगों का योगदान रहेगा। बेरोजगार को मनचाहा काम मिलने के आसार हैं। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें, अपना बहुमूल्य समय किसी काम में लगाएं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। मामलों को सुलझाने की कोशिश में योजनाओं और मनोभावों में बदलाव आ सकता है। खुद को किसी भी गलत और गैर जरूरी चीजों से दूर रखें, क्योंकि आप उसकी वजह से मुश्किल में फंस सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज ऑफिस में किसी की बुराई करने से परेशानी होगी। कुछ लोग फालतू बातचीत में भी समय खराब कर सकते हैं। किसी और तरीके से रुकावट भी पैदा करेंगे। भविष्य को लेकर कोई आशंका आपके मन में रहेगी, पर स्थितियों से मजबूर होकर आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव आपके लिए उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज आपका सेहत को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कतई न करें। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रभाव कम होगा। नई योजनाएं आकर्षण होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से सुने। लंबी यात्राएं फलदायी साबित होंगी वे अच्छे परिणाम देने वाली रहेंगी। वैवाहिक जिंदगी आपकी आज बेहतर रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। गणेश जी कहते हैं आज आपके दिन की शुरुआत ऊर्जापूर्ण रहेगी, लेकिन व्यवहार में आक्रामकता हो सकती है, जिसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ रोचक और नए अनुभव मिलेंगे। पढ़ाई या करियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे। कई चीजें सीखेंगे। कुछ कामों में नए अनुभव मिलेंगे। आज कुछ नए पारिवारिक तनावों से मन अशांति का एहसास करेगा। कुछ चिंताएं आज आपके मन पर प्रभारी रहेंगी। तो चलिए अंत में बात करते हैं अपनी मीन राशि की। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड़ी कर सकती हैं, जिससे आप बचना चाहते थे, हर समस्या का समाधान आपको साफ दिखने लगेगा। अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों, तो आपको लाभ होगा। साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। परिवार की तरफ से आज आप खुश रहेंगे। याद रखें, कोई भी वाहन चलाएं उसमें सावधानी आपको बरतनी होगी। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो आपका दिन आज बहुत शुभ होगा। आज आपके बच्चे प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं और उनको वहां सफलता हासिल होगी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया आज के राशिफल के बारे में। ऐसे ही धर्म, कर्म और राशिफल से जुड़ी तमाम अहम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।